Hello Neha, hi, good evening and most welcome. I hope I'm live now, yes. Am I live? Okay, perfect. So I am live and so guys from today onwards we will be starting our book series. Okay. तो हम लोग क्या करेंगे, हम book by book उठाएंगे और उसके questions को cover up करेंगे इस particular channel पे, that is Physicam Academy. तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में. एंड दिस इज योर फैमिली सो इट्स योर ड्यूटी टू इंक्रीज इट. ओके, केमिस्ट्री का एक आई मैं खा चुकी हूँ, सॉरी फॉर दैट. ओके, तो आई होप आप समझ पा रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कैरोथर सीरी और इसका जो टाइमिंग है वो ये नहीं, आज थोड़ा मुझे लेट हो गया, आई वॉज बिजी समवेयर. ओके, तो कल से इसका जो टाइमिंग रहेगा वही रहेगा जो अभी तक रहता है. ऋतिक ठाकुर हाय, हेलो नेहा. ठीक है, टाइमिंग क्या 8:30 था शायद. ठीक है, तो मैं वो भी एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लूँगी. अगर आप लोगों को 8:30 ओके रहेगा तो वी विल कंटिन्यू विद 8:30, और अगर आप लोगों को 8:30 ओके नहीं रहेगा देन वी विल चेंज द टाइमिंग एज वेल. ओके, तो हम आज जो कर रहे हैं गाइज टॉपिक कवर वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन नंबर, कार्बन कार्बन बॉन्ड. ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है कैरोथर का, कैरोथर बोले तो ये वाली किताब. ठीक है, दिस इज वेरी गुड बुक फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ IIT जैम, गेट, CSIR, नेट, बार्क, DRDO, एनी और UPSC इवन. इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ओके, एंड यू रियली वॉन्ट टू गो थ्रू, ठीक है, यू हैव टू क्रैक द एग्जाम, देन डेफिनेटली यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दीज बुक्स. ओके, तो हम लोग जितनी भी बुक्स हैं हमारी कैरोथर, क्लेडन वगैरह वगैरह, उन सब के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे इस चैनल पे करा दूंगी. इवन टॉपिक बाय टॉपिक हम कर लेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर कर लेंगे मतलब. ठीक है, तो हम अभी चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस गाइस आज करेंगे. थोड़ा सा आज क्लास थोड़ी छोटी रहेगी. ओके, रीजन उसका ये है, थोड़ा सा लेट हो गया है आज. ठीक है, फिर कल सुबह 7 बजे से हमारी क्लास है तो थोड़ा लेट हो गया है, तो इस वजह से आई विल टेक हार्डली 20 मिनट्स लेक्चर. ओके, 4-5 क्वेश्चन हम करते हैं. ठीक है, और आप सभी को भी सोना है. तो अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम कवर अप करेंगे. ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है. ठीक है, और कैसे आपको सॉल्व करना है, आप समझ पा रहे हो. ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मेन ग्रुप केमिस्ट्री से, मतलब इसी में फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड में मेन ग्रुप केमिस्ट्री करके कुछ है टॉपिक. ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन है आपका. दिस इज योर फर्स्ट स्टेज, दिस इज योर सेकेंड स्टेज. ओके, इससे आपको मिलेगा प्रोडक्ट ए, एंड फर्दर मोर अगर आप इसको देते हो फर्स्ट स्टेज में LDA, सेकेंड स्टेज में इथाइल ब्रोमाइड. ठीक है, यहाँ LDA के साथ में सॉल्वेंट भी है THF एंड टेम्परेचर भी मैंशन है, तो इससे आपको मिलेगा P. तो वॉट शुड बी द प्रोडक्ट यू हैव टू टेल मी. ओके, यस शिल्पा, बीमा, लिंडू, रोहित, नेहा, ऋतिक एंड एवरीवन, गुड इवनिंग. तो देखो सबसे पहले क्या होने वाला है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट. तो जो पहली बात है दोस्तों वो क्या कहती है, पहली बात आपको सिंपली ये कहती है कि जो हमारा ये वाली पार्ट है, ठीक है, दिस इज LDA, लिथियम आइसो, लिथियम डाइसोप्रोपाइल एमाइड. ओके, तो इसका काम क्या होता है, दिस विल एक्ट एज अ बेस. तो बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना. तो COOME, अब यहाँ पे जो प्रोटॉन है दिस इज अल्फा प्रोटॉन, इट विल बी टेकन अप बाय दिस बेस. ओके, तो बेस जब इस प्रोटॉन को ले लेगा गाइस, तो प्रोटॉन को लेने के बाद में यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा. ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे ब्रोमीन गिवन है, तो ये क्या करने वाला है, इसको अटैक करेगा और ब्रोमीन आपका एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो आपको मिलेगा CH2, फिर मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH2, फाइन. उसके बाद फिर से LDA दिया गया है, तो LDA फिर से अगर दिया गया है तो फिर से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. अब वो फिर से यहीं से हमारा प्रोटॉन लेकर जाएगा, बिकॉज यहीं पे कार्बोनिल ग्रुप है जो कि एसिडिक प्रोटॉन है. तो जो आपका LDA है, लिथियम डाइसोप्रोपाइलामाइड, वो फिर से इस प्रोटॉन को लेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज को जनरेट करेगा, और ऐसा करने के बाद में आपको ऐसा कुछ मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे CO2ME, अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो यहाँ पे इथाइल को अटैक कर लेगा, है ना. तो जो नेगेटिव चार्ज है
बेसिकली वो क्या करने वाला है दोस्तों, वो इस इथाइल को अटैक करेगा एंड ब्रोमीन को एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकेंड पार्ट, दिस इज योर थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट मैं यही बना देती हूँ आप सभी के लिए। COTME एंड यहाँ पे भी ऐसा कुछ। ठीक है, तो दिस इज योर प्रोडक्ट, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैरोथर से है। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगी ये सारे गारंटीड क्वेश्चन हैं फॉर ऑल दी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। इज दैट क्लियर? यस राकेश, हेलो। ठीक है, आज थोड़ा सा लेट हो गया बट कल से लेट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं दोस्तों। सॉरी, आप लिखते रहना सभी क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर टू जो है गाइस वो ये रहा आपके सामने। इसको दिया एलडीए एंड साथ में एलएचएमडीएस। ठीक है, अब आप कुछ भी दे सकते हो, दिस और दिस। एलडीए इज अ बेस, एलएचएमडीएस इज आल्सो अ बेस। ओके, अब इसके साथ में अगर आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं MnCl2 या फिर MnBr2। तो यहाँ पे इनोलेट टाइप समथिंग बन जाता है। LDA के पास में LDA या LHMDS विल एक्ट एज अ बेस एंड बिकॉज दे आर एक्टिंग एज अ बेस दे विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन। ओ माय गॉड, जस्ट अ मिनट। अब वो अगर एज अ प्रोटॉन काम करेगा तो वहां से प्रोटॉन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड इधर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से, मतलब यू विल इट देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस इनोलेट आयन। एंड देन उसके बाद में MnCl2 दिया हुआ है तो ये इसको अदर अटैक करेगा, क्लोरीन को एलिमिनेट करेगा। तो ऐसा करने के बाद में गाइज आपको क्या मिलेगा, OMnCl और यहाँ पे बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद में चाहे तो इसको कोई भी यू नो एल्काइल हैलाइड दिया जा सकता है जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव होगा। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होने वाला है, बॉन्ड नीचे आएगा और ये चीज क्या करेगी, जैसे यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड है तो मिथाइल पे अटैक करेगी, आयोडीन एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से कुछ मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे मिलेगा CH3। दिस इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट, आप समझ रहे हो? सब समझ रहे हैं? यस राकेश, दीप्तमोय हाय, शिल्पा हेलो, रोहित हेलो, हेलो एवरीवन। यस, सो दीज क्वेश्चन आर वेरी इजी, इजी बीजी, काफी बार हमने पहले भी किया हुआ है। लेट मी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप, एंड प्लीज आप मेरे साथ साथ लिखते जाना गाइस। ओके, सो दैट आपको भी चीजें समझ में आती रहें, और बिकॉज आपको ये स्लाइड्स नहीं मिल रही हैं, यू नो दैट। तो पोटेशियम हाइड्राइड एंड टेट्राब्यूटाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ओके, सो दिस इज अ सॉल्ट बेसिकली, एंड साथ में इसके दिया हुआ है मिथाइल आयोडाइड। सो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? ओके, सो गाइज इट इज वेरी मच अंडरस्टूड दैट, जस्ट अ मिनट, सो वी हैव प्रोटॉन हियर एंड वी हैव प्रोटॉन हियर एज वेल। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बार इस प्रोटॉन को एलिमिनेट कर देगा और एलिमिनेट करने के बाद में एक नेगेटिव चार्ज को जनरेट करेगा, जिसको आप चाहें तो इस तरह से इनोलेट बना सकते हैं उसका। यस, ओके, एंड उसके बाद में मिथाइल आयोडाइड दिया है, नेगेटिव चार्ज नीचे, अभी क्या करेगा, मिथाइल को अटैक एंड आयोडीन को एलिमिनेट करेगा, बिकॉज दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल निगेटिव। वैसा करने के बाद में आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, यू नो CH3। ओके, तो दिस इज वन प्रोडक्ट एंड इसका यील्ड है 0%। ब्यूटी ऑफ द गेम इज इट, इसका यील्ड कितना है, 0%। एंड अब अगर आप दूसरा प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को आप लेते हैं तो जो बेस है हमारा OH-, वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इस तरह से बनाएगा, तो यू विल गेट pH, डबल बॉन्ड ओपे निगेटिव, यहाँ पे वी हैव दिस थिंग। ओके, नाउ वी हैव मिथाइल आयोडाइड, अब ये निगेटिव चार्ज नीचे जाने वाला है, मिथाइल को अटैक करेगा, आयोडीन को एलिमिनेट करेगा, तो सबको मिलेगा pHCH के साथ में सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे मिलेगा CH3 और इस कार्बन पे आएगा CH3। तो ये है हमारा 100% प्रोडक्ट।
ये है हमारा 0%, इसका मतलब दिस वन इज मेजर, दैट वन इज माइनर, दैट विल नॉट फॉर्म वाई रीजन बींग। यहाँ पे जो एनायन बनता वो स्टेबल होता फिनाइल ग्रुप से। फिनाइल ग्रुप क्या है, माइनस आर करता है और माइनस आई भी करता है, तो इसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता, मतलब जो हमारा फिनाइल ग्रुप है उसके साथ में हमारा गाइस सी एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एंड समथिंग लाइक दिस ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता तो बट ऑब्वियस वो यहाँ पे तो रेजोनेंस करता ही, पर उसकी स्टेबिलिटी फर्दर मोर किससे आती, यहाँ पे जो हमारी बेंजीन रिंग है वहां पे भी होती, तो ये जो स्टेबिलिटी आ रही है उसके कारण वश दिस वन इज 100%। एंड बात समझ रहे हो, कोई बच्चा जिसको ये बात समझ में नहीं आई है, तपस है मेरा नाम। हाँ जी मिस्टर तपस, अच्छा लो प्रीवियस स्लाइड यार, दीप्तम ऑय SS ले लेना प्लीज। ओके ओके चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला हो गया दीप्तम मॉय, इफ यू आर डन विद ऑल दीज काइंडली क्लिक द पिक्चर्स। हेलो एस के समल, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, MEM O2C एंड यहाँ पे भी है CO2ME। अब इसको प्रोवाइड किया है LDA विद THF, ओके फर्स्ट स्टेज में एंड सेकेंड स्टेज में PH CH2 एंड देन Cl। ओके तो क्या बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि MEM क्या है। तो MEM है हमारा CH3O CH2 CH2O CH2 माइनस, ठीक है, क्या बन गया, ये एस्टर है, ये मिथॉक्सीथाइल, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो दिस इज MEM, दैट इज अ प्रोटेक्शन बेसिकली, इसके साथ में अटैच्ड है। अब LDA आया है तो क्या करेगा, बट ऑब्वियसली इट विल एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम द मोस्ट एसिडिक साइट। ओके यू नो दैट दिस प्रोटॉन इज मोस्ट एसिडिक, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे कार्बोनिल अटैच्ड है गाइस, MEM O C डबल बॉन्ड O, बेसिकली इस तरह से ही तो है ना वो, ठीक है। CO2ME, अब ये वाला प्रोटॉन क्यों नहीं निकाल सकते आप, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू द कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बट आप ये वाला क्यों निकाल सकते हो, बिकॉज दिस इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सो देयरफॉर दिस प्रोटॉन विल बी टेकन अप बाय LDA, LDA इज इटसेल्फ अ बेस। ओके तो जो हमारा LDA है वो क्या करने वाला है, इट विल जस्ट टेक अप दिस प्रोटॉन, जिसकी वजह से हमको यू नो एक निगेटिव आयन बनेगा, मतलब यू विल गेट एन आयन। अब इट्स ऑल अप टू यू इफ यू वॉन्ट टू मेक इट एज एन इनोलेट, अदरवाइज मेरे पास जगह कम है तो मैं इनोलेट नहीं बना रही हूँ, ठीक है। तो आई गेट वन निगेटिव चार्ज ओवर हियर, मैं इसको इधर ले जा सकती हूँ रेजोनेंस करने के लिए, बट आई डोंट वॉन्ट टू यूज वन मोर स्टेप, ठीक है। दिस इज वन, दिस इज सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में यहाँ जा रही हूँ दोस्तों। तो हमारे पास में pH CH2Cl लगा हुआ है, तो बट ऑब्वियस दैट निगेटिव चार्ज विल अटैक दिस CH2 एंड दिस क्लोरीन विल गेट एलिमिनेटेड, तो हमें मिलेगा MEM O C डबल बॉन्ड O, देन वी विल गेट समथिंग लाइक दिस एज सच, एंड अलॉन्ग विद दैट विल गेट CH2 अलॉन्ग विद दैट pH, सो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। आप समझ रहे हो, यस नेहा माने, नो समझ रहे हो सब, फिजिकम अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। बढ़े हैं आगे दोस्तों, यस क्लियर विद दीज क्वेश्चंस, नाउ आई विल बी राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन।
एंड हमारा जो अगला सवाल है दोस्तों वो ये रहा आपके सामने, डबल बॉन्ड हो, अब इसको आप क्या दे रहे हो, सोडियम मेथॉक्साइड NaOET अलॉन्ग विद इथेनॉल ETOH, ठीक है, COOET होल ट्वाइस, इससे हमें मिलेगा ए, ओके। उसके बाद में इसको हमने दिया NaOET अलॉन्ग विद इथेनॉल अलॉन्ग विद मिथाइल आयोडाइड, इससे हमें मिलेगा बी। फिर वी आर ट्रीटिंग इट विद HCl हीट LiCl DME, इससे हमें मिलेगा सी। ओके सो नाउ प्लीज टू लेट मी नो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, आई मीन व्हाट शुड बी द आंसर, व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन, हाउ इट शुड गो। तो ये तो हमारा गाइस बेस है, सबसे पहले आपको पहचान लेना यार, ये तो हमारा बेस है। बेस का काम है प्रोटॉन को ले जाना, तो जैसे ही वो प्रोटॉन को ले जाएगा, ये क्या है, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, उसके साथ में OET लगा हुआ है और एक और OET लगा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमारे पास में ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एन इनोलेट, एक्चुअली आई डोंट वांट टू राइट दैट इन द फॉर्म ऑफ इनोलेट, आई एम जस्ट मेकिंग इट इन द फॉर्म ऑफ एन आयन। सो इट विल कम एंड अटैक दिस कार्बन, इलेक्ट्रॉन पेयर विल गो अप डाउन एंड दिस विल गेट एलिमिनेटेड। तो ऐसा करने के बाद में व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग सी डबल बॉन्ड ओ, उसके साथ में ओ के साथ में ET, फाइन। अब ये हमारा ए हो गया, ओके। अभी फिर से बेस दिया हुआ है, NaOH इज अगेन अ बेस, ओके। तो ये जो हमारा बेस है वो फिर से प्रोटॉन को ले जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में प्रोटॉन है, तो जो हमारा NaOET है वो इस प्रोटॉन को ले जाएगा। प्रोटॉन को ले जाने के बाद में वो क्या जनरेट करेगा, वो जनरेट करेगा एक नेगेटिव चार्ज। फिर हमने लिया मिथाइल आयोडाइड, तो नेगेटिव चार्ज मिथाइल को अटैक करेगा, आयोडीन को एलिमिनेट करेगा, और ऐसा करने के बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH3। ऐसा करने के बाद में फिर अब अगर आप इसको क्या दोगे, एच सी एल एंड हीट दोगे गाइस, ठीक है, एच सी एल दिया, हीट दिया, एल एस सी एल दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो क्या करने वाला है, पहले तो इसको हाइड्रोलाइज करेगा टू एसिड एंड देन वहां से डीकार्बोक्सिलेशन करेगा। तो डिस्पाइट ऑफ राइटिंग, चलो मैं आपके लिए लिख देती हूँ, ओके, ओ एच एंड डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे CH3, पहले तो ऐसा होएगा, उसके बाद में डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ओके। डीकार्बोक्सिलेशन का भी फिनोमिना फंडा इस तरह से ही होता है, ये इधर, ये इधर, और ये चीज निकल जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट एलिमिनेटेड एंड इट विल अल्टीमेटली जनरेट दिस एज द प्रोडक्ट। तो देखो इतना सारा लंबा चौड़ा हिसाब करने के बाद में अल्टीमेटली आपको ये प्रोडक्ट मिला। तो दिस इज स्टेप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दिस इज नंबर 4 एंड दिस इज नंबर 5। ऑल दो एक दो स्टेप मैंने खाए हैं, तुम्हें पता है पकड़ में भी आ गया होगा, और अगर मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं तो उन्होंने मुझसे पहले कर लिया होगा। सोनल जैन बस अभी स्टार्ट हुआ है 18 मिनट पहले। हेलो SK, आर यू गेटिंग गाइस, एवरीवन इज गेटिंग दिस पार्ट, या या एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट दिस थिंग नोटिफिकेशन अबाउट माई वीडियोज, डू सब्सक्राइब द चैनल गाइज। अब तुम्हें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल बता रही हूँ, विच इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके। मैं यहाँ पे एक बेस बना रही हूँ, आई मीन एक कीटोन बना रही हूँ, और उसके रिस्पेक्ट में मैं बता रही हूँ कि दो तरह के हमारे इनोलेट्स बनेंगे। एक तो ऐसा बन सकता है हमारा इनोलेट, और एक ऐसा बन सकता है हमारा इनोलेट, ठीक है। मैं यहाँ पे बेसिस लिखूंगी, उसके भी यहाँ पे आपको बताऊंगी कितना परसेंटेज, मतलब यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा इनोलेट परसेंटेज, ठीक है, एंड दिस इज अवर कीटोन, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बेस दे रही हूँ, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम गाइज। तो फर्स्ट थिंग इज, अगर आप LDA देते हो DME, ठीक है, -78°C डाइमिथाइल ईथर, DME बोले तो डाइमिथाइल ईथर, ओके। तो ये हमारा काइनेटिक कंट्रोल करता है प्रोडक्ट, काइनेटिक कंट्रोल वाला प्रोडक्ट बनाता है, और इससे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो हमारा बी बनता है 99% और ये बनता है हमारा 1%, ओके।
नाउ अब अगर हम दूसरा लेते हैं, PH3CLI DME -78°C, तो ये भी काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट बनाता है और यहाँ पे हमें ये मिलता है 9% और ये हमें मिलता है 91%। ओके, तीसरा अगर आप लेते हो PH3CLI DME, ओके टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो इक्विलिब्रियम कंट्रोल अगर लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम कंट्रोल, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको मिलता है यहाँ पे 90%, ये मिलता है आपको 10%। देखो भावनाएं बदल गई, सब जज्बात बदल गए, प्रोडक्ट बदल गया, मेजर प्रोडक्ट बदल गया, टर्शरी बेटोक्साइड, टर्शरी ब्यूटेनॉल एंड इक्विलिब्रियम कंट्रोल। ओके, कहीं पे अगर इक्विलिब्रियम कंट्रोल का मतलब थर्मोडायनेमिक कंट्रोल ना, इक्विलिब्रियम कंट्रोल मतलब गाइस थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, तो ये मेजर होएगा, दिस इज 93% एंड दिस इज 7%। तो इक्विलिब्रियम कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कंट्रोल मतलब थर्मोडायनेमिक। तो इसलिए स्टैंडर्ड किताबों की जो लैंग्वेज होती है थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आप समझ रहे हो। तो अगर एग्जाम में कभी इक्विलिब्रियम कंट्रोल लिखा है तो इसका सिंपली मतलब क्या हो गया कि दैट इज काइनेटिक, सॉरी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, एंड इफ इट इज काइनेटिकली कंट्रोल इट विल बी रिटन काइनेटिकली कंट्रोल। काइनेटिकली कंट्रोल बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द रेट। ओके, कोई भी रिएक्शन अगर रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब रेट हाई है लो है क्या है, तो दैट इज काइनेटिक कंट्रोल। और अगर कहीं पे टेम्परेचर का आ रहा है सीन, है ना, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। Fine. So, let me write some other questions. Fine. So guys see, what will happen in first stage, tertiary butanol, and ye cheez aapne di hui hai, so of course it will take up the proton, I'm sorry yaar, just a minute, it will just take up the proton, okay, tertiary butanol is proton ko le jayega, aur le jane ke baad mein kya hone wala hai, yahan pe aapko negative charge generate karega, theek hai, उसको आपने मिथाइल आइडेट, अब आई एम नॉट राइटिंग दैट इनोलेट, ओके आई एम जस्ट राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ कार्बन आयन ओनली, सो दैट मैं थोड़ा नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस कर सकूं, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये जो भी था हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एज सच रहा। अब अगर आप नीचे इसमें इसकी बात करेंगे तो होगा तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो फर्दर मोर एच सी डबल बॉन्ड ओ ई टी इसको अटैक करना है, तो इसको इधर अटैक करेगा, ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन पर नीचे, और दिस ओईटी विल गेट एलिमिनेटेड, एंड ये अल्टीमेटली आपको क्या देने वाला है, यहाँ पे इट विल प्रोवाइड सी एच एंड देन डबल बॉन्ड ओ। फाइन, अब ये टी एस ये चीज दी हुई है बी यू एस एच, ओके थायो, जस्ट अ मिनट,
ठीक है, थायोबेटेनॉल। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जो लोन पेयर्स है ना गाइस, वो क्या करेंगे, वो इसको अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर इस तरह से मूव करेंगे, और ऐसा करने के बाद में आपको जस्ट अ मिनट, तो क्या बनाएगा, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। हेलो मैम, क्लास कब शुरू हुआ, बस आधा घंटा पहले। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आएगा, एस के साथ में बी यू आएगा और यहाँ पे ओ एच आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ पे भी प्रोटॉन प्रेजेंट ही है गाइस, तो ये पानी निकल सकता है यहाँ से, हीट वीट कर दें अगर हम, तो द प्रोडक्ट विच यू विल बी गेटिंग ओवर हियर विल बी लाइक दिस, सी एच डबल बॉन्ड एस बी यू। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो दिखने में गंदा सा लगता है, बाकी है इजी। ठीक है, दिस इज वन टू थ्री एंड दिस इज फोर, तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इट इज वेरी मच सिंपल, दिस इज वन दिस इज टू। आई होप आपको समझ में आ गया, कॉपी कॉपी कर लो यार इसको। आपको दिख रहा है ना गाइज, ऐसा तो नहीं है कुछ मेरे पीछे छुप जा रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। या आई एम सॉरी, सी डबल बॉन्ड सी होगा बेटा। ओके, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन दैट। ओके, जस्ट लेट मी चेंज, डबल बॉन्ड सी एंड देन सी एच एंड एस बी यू, जो भी है, दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, क्लियर टू एवरीवन। अब अगर आप चाहें इसको रिप्लेस करना, तो व्हाट यू कैन डू, इफ यू जस्ट प्रोवाइडेड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनी ऑफ द बेस अलॉन्ग विद वाटर और समथिंग, देन दिस विल जस्ट ब्रेक एंड देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस पार्ट, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, फाइन, बस दैट विल बी इनफ। हाँ, कैरेथर सीरी है मिस्टर रघु, चैप्टर लिखा हुआ है, आप एक बार इसके थंबनेल देख लो, इसका टाइटल देख लो। ओके, जस्ट चेक द थंबनेल, चेक द टाइटल, क्लियर टू एवरीवन। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन मोर क्वेश्चन आई एम राइटिंग ओवर हियर, एंड दैट क्वेश्चन इज अगेन यू नो यील्ड वाइज, सो मैं वन बाय वन करके लिख रही हूँ। वी आर प्रोवाइडिंग इट विद आइसोप्रोपाइल एन एम जी बी आर, ओके, अलॉन्ग विद ट्राइथाइल अमीन एंड ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। ओके, you just try to solve these questions, I'll be writing it here only, and then along with this I'll be writing it again, LDA minus 78 degree C, trimethyl silyl chloride, and third me OSI Me3 CH3 Li DME, you'll get A. And if you just treat it with C6H5CH2Br, you'll be getting B. It's okay, it's okay. Pratiksha. अच्छा, मेरे पीछे छुप रहा है, मैं थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाती हूँ। ओके,
आज आज लेट हो गया, ओके डोंट वरी, आज मैंने लेट किया है, वो कल से लेट नहीं होगा तुम्हें। मैं गलत जगह शिफ्ट हो गई। इस साइड में होना, यानी कि क्या हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा यार। कैमरा कल से एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अभी तुम देख लो जितना भी समझ में आ रहा है, जितना भी दिख रहा है। नाउ सी, इसको आपने दिया ठीक है, तो दिस इज बेसिकली आइसोप्रोपाइल नाइट्रोजन है, यहाँ पे MgBr दिया हुआ है। तो डेफिनेटली वो क्या करने वाला है, ट्राइमिथाइल सिलाइलेट, तुम्हें पता है यार ये जो चीज होती है ऑक्सीजन के साथ में जाती है। तो आप किस तरह से बनाओगे इसका पार्ट, मैं आपको बना देती हूँ। दो तरह से इनोलेट बन सकता है, यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे भी प्रोटॉन है, तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, OSIME3 ठीक है, OSIME3, एक जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड, दो प्रोडक्ट मिलेंगे ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कहता है कि ये 97% है और ये हमारा 3% है ठीक है। अब हमने जब LDA दिया तो LDA में भी यही प्रोडक्ट मिले ठीक है, बट ये 1% है और ये हमारा 99% है, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो बेस है ट्राइथैलामिन, इट्स नॉट दैट मच, सॉरी, ये ऐसा है थोड़ा स्ट्रांग हो गया ना, मैग्नीशियम वगैरह गिवन है, तो ये 100 वाला भी ले लेगा, कोई इशू नहीं है, तो ये 97% बन गया। बट ये एल डी ए थोड़ा नखरे वाला होता है, ऊपर से टेम्परेचर भी कितना लो है, तो ये लेस हिंडर्ड लेता है, ये वाला प्रोटॉन लेगा, इस वजह से 99% बन रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, हेलो अंजलि, हाउ आर यू अंजलि, कौन सी 2019 बैच वाली, 2020 बैच, यस ओके, तो लेट मी राइट दिस थर्ड वन ओके, ये वाला नेक्स्ट पेज में कर देती हूँ, बिकॉज अभी यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी पक जाएगा अदरवाइज ओके। एटलीस्ट यू हैव ट्राइड, या नाउ दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। मैं पहले बता देती हूँ गाइस, कल से हमारी क्लास में सुबह 7 बजे से थोड़ा टाइम पे आ जाना ठीक है, 7 AM टुमोरो, एंड दिस विल बी अ क्रैश कोर्स ओके फॉर आईडी जैम 2022 ठीक है। तो देखो अभी इसमें क्या है, लाइक इफ आई एम राइटिंग एनी ऑफ द क्वेश्चन लाइक दिस, यहाँ पे वी हैव OSIME3, वी आर ट्रीटिंग इट विद CH3Li एंड DME, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलेगा OLi, इसके पास में आपको मिलता है ये चीज़ अपने मिली है ना, CH3Li है, तो वो स्ट्रॉन्ग वाला प्रोटॉन ले लेता है, आप देखेंगे तो इसको सेम चीज़ है, वो कुछ नहीं है। तो अब इसके बाद में अगर आप इसको C6H5 CH2Br दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो यहाँ से इसको अटैक करने वाला है ठीक है। तो अभी क्या और हो सकता है, एक तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरा कैसा हो सकता है अगर आप बनाना चाहें तो, OLi यहाँ पे डबल बॉन्ड ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में दो प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं, CH2 एंड देन PH लिख दो मैं बेटर रहेगा, और दूसरा मुझे प्रोडक्ट मिलेगा CH2 PH लाइक दिस ओके। तो ये हमारा जो बनता है दिस इज 84% एंड दिस वन इज 7% अप्रोक्स, और बाकी सब साइड प्रोडक्ट जो भी बचा कुछ है ठीक है,
Is that clear to everybody? Yes, clear to everyone. Anybody have doubt? No? Chale, then I'll see you tomorrow. Aap aram se so jao. And do subscribe the channel agar aap first time channel pe aaye hain to. Okay? And then kal subah 7 baje mujhe milna. Uske baad mein agli class hamari 8:30 baje hai morning mein. 7 to 8, then 8:30 to 9:30. And then din mein hamari jo class hai, let me write, okay? तो जो हमारी कल की क्लास का सिनेरियो है गाइज वो कुछ ऐसा है कि हमारी जो पहली क्लास है दैट विल बी इन द मॉर्निंग 7 AM. ओके एंड यहाँ पे हम करेंगे यूनिट नंबर 1. दूसरी हमारी क्लास है 8:30 AM और इसमें हम क्या करेंगे वो करेंगे यार क्या था गाइज क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस. ओके PYQs. ठीक है और फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो है 5:30 PM. ये हमारा यूट्यूब का लेक्चर है जिसमें हम क्या करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म. उसके बाद में 6:15 PM. 6:15 PM में हम कर रहे हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन. उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी 7:30 PM. 7:30 PM में हम क्या कर रहे हैं क्वेज. दिस इज अ फ्री स्पेशल क्लास. उसके बाद हमारी 8:30 PM पे क्लास होगी जो कि होगी फिजिक एम अकेडमी पे क्वेश्चन सीरीज. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओनली 6 क्लासेस फॉर टुमारो. बी देयर ऑन टाइम. यस रघु लेस हिंडर्ड साइट मोर मिलेगा. ना 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 वो डिपेंड करता है ना रीजेंट कैसा है. तभी तो तुम्हें बताया है रीजेंट पे डिपेंड करेगा ना. ओके रघु मैंने आपको कितने सारे रीजेंट्स का इंडिविजुअली बताया दैट हर एक रीजेंट का इंडिविजुअल पैटर्न है. वो आप समझो हर एक रीजन का डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है इंडिविजुअली पैटर्न है एंड दैट इज व्हाट वी हैव कंसिडर्ड एंड दैट इज व्हाट वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट. ओके ठीक है देन गुड नाइट टेक केयर बाय बाय आई विल सी.